किचन में बनने जा रही है मिक्स दाल। इसके लिए हमें चाहिए है 1 पाव चने की दाल, 1 पाव माश की दाल, मसूर की दाल, 1 पाव मसूर की दाल और 1 पाव माश की दाल। हमारी दालें हैं, 3 दालें हमने डाली हैं। तो हमने अपनी जो दालें थी वो हमने मिक्स दाल जो थी हमने वॉश कर ली है। और यहाँ पे जो हमारी स्पाइसेस हमने ऐड करनी है उसमें है 1 क्लोव लिया था हमने गार्लिक का, इसमें हमने 1 टीस्पून है ये कोरिएंडर पाउडर, 1/2 टीस्पून ये हल्दी है, 1.5 टीस्पून रेड चिली पाउडर है। सॉल्ट आप अपनी मर्जी का ऐड कर सकते हैं, हमने यहाँ पे 1.5 टीस्पून लिया है। थोड़ा सा गरम मसाला है और 2 क्लोव है, थोड़ा सा ज़ीरा। हम मसाले हमेशा कम रखते हैं, हम नहीं डालते अपनी कोई भी डिशेस में मसाले। और साथ आज के मेन्यू में मैं आपको बताती जाऊँ कि क्या क्या बन रहा है। साथ हम लेंगे वाइट राइस, सब्ज चटनी, अचारी ऑनियंस का वो सैलेड और क्या है हमारे पास क्यूकम्बर सैलेड। इसको चूल्हे पे पकने के लिए रखते हैं, लिए हम इसको पकाएंगे एंड वी विल बी राइट बैक। दूसरे स्टोव में आपने पानी लेना है पैन के अंदर राइस बॉईल करने के लिए। इस पानी में आपने ऐड करने हैं सिनेमन के, हमने ऐड किए थे 2-3 इस तरह सिनेमन ऐड किए हैं, और साथ में थोड़ा सा नमक, वो अपने अपने टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड कर लेना है। साथ आपकी दाल रेडी हो रही है, ऑलमोस्ट ये कुक हो गई हुई है। साथ ही आप अपने काम ख़त्म करें और सैलेड भी रख दिया हमने काट के, और यह बॉयल पानी जो है वो बॉयल हो गया था। अब इसमें हमने जो हमने वॉश किए हुए राइस थे वो हमने ऐड कर लिए थे। अब ये देखिए 90% जो है ना राइस को आपने कुक करना है, उसके बाद थोड़ा सा ऑयल डाल के जो बाकी का 10% है ना वो आपने दम दे के उसको कुक करना है राइस को। इसको ज़्यादा हिलाना नहीं है क्योंकि इससे राइस टूट जाते हैं। अब इसको हम चावलों को दम दे देंगे। थोड़ा सा अरोमा थेरेपी के लिए हम इसमें ऐड करें पुदीना, क्योंकि इसकी सेंट बहुत अच्छी होती है, तो जस्ट फॉर फ्लेवर और उसकी सेंट के लिए। आपकी ऑप्शनल है, अगर आपको ऐड करना है घर में है तो वेल एंड गुड, यू कैन ऐड, अगर नहीं तो कोई बात नहीं, वैसे भी अच्छे लगते हैं राइस। और ये देखें हमारे राइस कितने अच्छे तरीके से कुक हो चुके हैं, बिल्कुल भी साथ जुड़े नहीं हैं। इस तरह से आपने राइस अपने बना लेने हैं। साथ आपकी दाल रेडी हो चुकी है, और देखें दाल भी रेडी है, हमारे राइस भी रेडी हैं, साथ हमने अपना सैलेड भी बना लिया था, और साथ ही किचन के काम भी हमने ख़त्म कर लिए थे, और साथ ही साथ जो चटनी थी हमारी ग्रीन चटनी वो भी बन गई थी। अब इसके तड़के के लिए आपको चाहिए ऑयल लेना है, छोटे से हमारे पास प्यारा सा क्यूट सा पैन है, इसके अंदर गार्लिक और कुटी हुई मिर्च और ज़ीरा ऐड करके इसका हमने दाल के ऊपर तड़का लगा लेना है। जब ये थोड़े से लाइट ब्राउन हो जाए आपके गार्लिक, तब आपने इसको अपनी दाल के ऊपर ऐड करना है। जो हमने अनियन अचारी ऑनियंस के लिए आपने क्या करने थे, अनियंस को चॉप कर लेना था, उनको सॉल्ट वाटर से वॉश करके और उसके अंदर कोई भी होममेड या बाहर वाला अचार आपने ऐड कर लेना है, तो इस तरह वो बन जाते हैं और दाल के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। ये हमारा तड़का भी जा रहा है इसके अंदर, और आप देख सकते हैं हमारी सारी चीज़ें सैलेड, दाल, राइस और हमारा अचारी वो जो अनियंस थे और हमारी चटनी सब रेडी हो चुका है। आप अपने जो टेबल है खाने का उसको क्रिएटिव आप खुद बना सकते हैं। घर में अगर जितनी भी चीज़ें हैं आपके फ्रिज में उसको कंबाइन करके यू कैन बी क्रिएटिव। और ये दाल के ऊपर थोड़ा सा बटर, और ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर एंड लाइक। थैंक यू।